नमस्कार दोस्तों। तो चलिए फिर हम हिंदी की अपनी जो विलोम की सीरीज चल रही है उसकी चौथी सीरीज हम चालू करते हैं और शब्द विलोम को हम जो है फिर ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपके शब्द आ चुके होंगे, अब हम देखना चालू करते हैं। तो पहला शब्द है हमारा अहंकार का अनहंकार। अन उपसर्ग लगा के, याद है ना, अन आ उपसर्ग, दुर उपसर्ग, कु उपसर्ग, ठीक है, ये सब ऐसे उपसर्ग हैं, कहीं पे वी उपसर्ग, ये सब लगा के जो है हम विलोम बना सकते हैं शब्दों के। तो यहाँ पे अहंकार का अनहंकार, अहंकारी का निरहंकारी, ठीक है, दोनों में क्या चेंज हो रहा है, तो सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है, ठीक। और फॉर्म चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, फॉर्म चेंज होने के कारण जो है आपका वो अहंकार का, अहंकार का अनहंकार और अहंकारी का निरहंकारी हो जाएगा। अहिंसा का हिंसा, आंतर का वाह्य, आंतर मतलब अंदर, वाह्य मतलब बाहर, ठीक है। आकर्षक का आकर्षक का अन लगा करके अनाकर्षक भी बन सकता है और अप उपसर्ग लग करके भी इससे बन सकता है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर अप से बनाएंगे तो अपकर्षक होगा और वी उपसर्ग लगा के बनाएंगे तो विकर्षक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सब क्लियर होना चाहिए, आकर्षक का अनाकर्षक भी सही है, आकर्षक का अपकर्षक भी सही है और आकर्षक का विकर्षक भी सही है। अगर आकर्षण होगा, आकर्षक है तो वहाँ पे अनाकर्षक होगा, अगर आकर्षण है तो यहाँ पे अनाकर्षण हो जाएगा, अपकर्षण हो जाएगा और विकर्षण हो जाएगा, ठीक है। उपसर्ग वही लग रहे हैं। आकाश का क्या होगा, पाताल होगा। आकीर्ण का क्या होगा, विकीर्ण होगा, ठीक है, आकीर्ण का विकीर्ण हो जाएगा। आक्रमण का प्रतिरक्षा, ठीक है, आक्रमण की अंग्रेजी क्या होती है, ऑफेंस करना, ऑफेंसिव हो जाना, और प्रतिरक्षा मतलब डिफेंस। हमारी फोर्सेस क्या होते हैं, डिफेंस फोर्सेस होती हैं, हर देश की जो फोर्स होती है वो डिफेंसिव फोर्सेस होती है, डिफेंस फोर्स होती है, क्यों, क्योंकि हम ये बताते हैं कि हम दूसरे पे आक्रमण करने के लिए फोर्स नहीं, हम अपनी रक्षा के लिए फोर्स बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारी क्या है, आक्रमण क्या होता है, प्रतिरक्षा होती है, याद रखिए, ये पूछा है आक्रमण का प्रतिरक्षा। आक्रांत का अनाक्रांत बहुत पूछा है, ठीक है, तो आक्रांत का अनाक्रांत, अना जो है उसमें जोड़ दिया, अनाक्रांत हो गया। आक्रामक का आक्रामित, बहुत कन्फ्यूजिंग है, याद रखिएगा, आक्रामक का अनाक्रामक नहीं, आक्रामक का ये आक्रामित, याद रहेगा आपको ना, आक्रामक पूछ रहा है तो उसका आक्रामित होगा, ठीक है, वेरी गुड। आगत का क्या होगा, अनागत होगा। आगमन का प्रस्थान, ये कल भी देखा था हमने। आगामी का विगत, आगामी मतलब आने वाला, विगत, ठीक है। तो आगामी वर्षों में आपको इस तरह का काम करना है ताकि आपकी प्रगति ऐसी हो, विगत वर्षों में आपने ऐसा काम किया इसलिए आपको जो प्रोत्साहित किया जाता है या फिर जो हस्तोत्साहित किया जा रहा है, ठीक है, जो चीज़ें होंगी। अगले पे चलते हैं, आग्रह का दुराग्रह। आग्रह मतलब कोई चीज़ जिसकी जो है आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और दुराग्रह का मतलब क्या हो गया कि जो मानने ही योग्य नहीं है, ये बात आपकी यह आपका आग्रह आग्रह लाएगा, ठीक है, और ये तो अब आप दुराग्रह कर रहे हैं भाई, ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो आग्रह क्या होगा, दुराग्रह होगा। आचार का क्या होगा, आचार का अनाचार होगा, ठीक है, अन उपसर्ग लग करके आचार में अनाचार बन गया, वेरी गुड। आच्छादित का अनाच्छादित, बर्फ से इस समय जो है कश्मीर की जो घाटी है वो आच्छादित होगी और गर्मी में वो बर्फ से पिघल जाएगी तो वो अनाच्छादित हो जाएगी, समझ गई। आज़ादी का गुलामी होगा, आज़ादी क्या होगा, गुलामी। आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी या फिर अवाज्ञाकारी, याद रखिएगा, आज्ञाकारी जो है, आज्ञाकारी का अनाज्ञाकारी भी हो रहा है अनुपसर्ग लग करके और अव लग करके अवाज्ञाकारी भी हो रहा है। आज्ञापालक का अवज्ञा, ये इंपॉर्टेंट है, अवज्ञा का होता है आज्ञा को नहीं मानना, किसी के आदेश को नहीं मानना, और आज्ञा पालन करना मतलब कि जो है, तो आज्ञा पालन का अवज्ञा होता है, ठीक है। आडंबर का क्या होता है, आडंबर का होता है सादगी, आडंबर का सादगी होता है, ठीक है। और मतलब कि वही आडंबर का सादगी हो गया, आडंबर पूर्ण का आडंबरहीन हो जाएगा, आतुर का अनातुर हो जाएगा, अन अलग करके सिर्फ यहाँ पे बन रहा है, आतुर का अनातुर मतलब जो किसी काम को करने के लिए एकदम जो डेस्परेट हो, ठीक है, तो आतुर हो गया, अनातुर मतलब नहीं। आत्मनिर्भर का क्या हो गया, आत्मनिर्भर का हो गया आपका परजीवी या अनुजीवी, ठीक है। आत्मनिर्भर जो अपना काम खुद से ही कर सकता हो, अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो, जिसकी अंग्रेजी अगर बोलेंगे तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा आत्मनिर्भर की, वो क्या है, परजीवी, याद है ना, परजीवी पढ़ते थे, पैरासाइट, परजीवी मतलब पैरासाइट, जो कि दूसरे पे जो है निर्भर करता है, अपना भोजन दूसरे से बनाता है, तो परजीवी जो दूसरे पे निर्भर करता है, या अनुजीवी भी जो है दूसरे पे जो निर्भर कर रहा है अपनी चीज़ों के लिए।
आदर का क्या होगा, आदर का होगा अनादर या फिर जो है निरादर। ठीक, आदर का अनादर और निरादर हो सकता है। आदान का प्रदान होगा। आदि का क्या होगा, आदि का होता है अंत। ठीक है, आदि मतलब होता है प्रारंभ, अंत मतलब खत्म। ठीक, आद्य का होता है अंत्य, याद रखिएगा आदि का अंत है और आद्य का क्या है अंत्य। ठीक, अंत्य। आदृत का क्या है, आदृत का अनादृत है, अन उपसर्ग लग करके अनादृत बन गया यहाँ पे, या फिर नी उपसर्ग लग करके निरादृत भी हो सकता है। और तीस से जो है तिरस्कृत, एक तिरस्कृत इसका स्वतंत्र वर्ड है, कोई उपसर्ग नहीं लगा, ये जो है स्वतंत्र वर्ड है आपका। ठीक है, स्वतंत्र वर्ड। ठीक, तो स्वतंत्र वर्ड ये आपका हो गया। अब देखिए आदृत का तिरस्कृत, आदृत मतलब जिसको आदर दिया जा रहा है, ठीक है, तो उसको या तो नहीं आना बन रहा, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तो अनादृत हो सकता है, निरादृत, या फिर तिरस्कृत का मतलब भी ये होगा जिसको आदर नहीं दे रहे हैं। आधिक्य का अनाधिक्य होता है, आधिक्य का अनाधिक्य। आधुनिक का प्राचीन या फिर पुराना होता है, और हमने कल वहाँ पर पढ़ा था प्राचीन का क्या होता है, प्राचीन का जो है याद कीजिए अर्वाचीन होता है ना, तो इसका मतलब आधुनिक का जो है अर्वाचीन क्या होगा, सिनोनिम मतलब उसकी पर्यायवाची हो जाएगी। आध्यात्मिक का सांसारिक होता है, आध्यात्मिक का क्या होगा सांसारिक। आनंद का क्या होगा, आनंद का विषाद या फिर जो है शोक होगा। ठीक है, विषाद या फिर शोक आनंद का। आध्यात्मिक का सांस्कारिक बहुत पूछा है, याद रख लीजिएगा, आध्यात्मिक का सांस्कारिक। आनंद का विषाद या शोक, आनंदमय का विषादपूर्ण या शोकमग्न होगा, आनंदमय अगर है तब शोकमग्न होगा। ठीक है, आनंद सिर्फ है तो शोक होगा, आनंदमय है तो शोकमग्न होगा या फिर विषादपूर्ण। आना का जाना, आपत्ति का संपत्ति। ठीक है, आपत्ति का संपत्ति। आप सदारी का दुजायगी, आप सदारी का दुजायगी होता है। ठीक है, आप सदारी का दुजायगी होता है, तो याद रखिएगा ये। आगे चलते हैं, आबाद, आबाद रहो, बर्बाद रहो, मजाक में बोलते हैं लेकिन ऐसे देख लो, आबाद का होता है या तो बर्बाद या फिर एक्चुअल सिंपल हो गया आबाद, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है ज़्यादा लोग हैं तो आबाद, नहीं तो सूना पड़ा हुआ है तो सूना हो गया। ठीक, तो आबाद का सूना भी होता है, बर्बाद भी। ठीक है, आभ्यंतर का हो गया आपका वाह्य, आभ्यंतर, आभ्यंतर का वाह्य हो गया। ठीक है, आभ्यंतर अंदर और ये वाह्य मतलब बाहर। आमंत्रित का अनामंत्रित, आमदनी का खर्च, आमिस का निरामिस, याद रखिए इसको, आमिस का निरामिस, इसको बहुत बार पूछा है। ठीक है, आमिस का निरामिस। आय का व्यय, आयात का निर्यात। ठीक है, आयात मतलब इंपोर्ट करना, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करना। ठीक है, सामान को दूसरे के वजह से निर्यात करना होता है, और दूसरे देश से जो सामान को मंगाना उसको आयात करना कहते हैं, तो आयात का निर्यात। आरंभ का क्या होता है, समापन भी होता है, समाप्त भी हो सकता है और अंत भी हो सकता है। आरंभ का अंत है, आरंभ का समापन भी होता है, आरंभ का समाप्त भी हो सकता है। प्रारंभिक का अंतिम होता है, प्रारंभिक का अंतिम। आराध्य का दुराध्य, आराध्य जिसकी पूजा की जाती है, और दुराराध्य। ठीक है, दुराराध्य याद रखिएगा, दुराराध्य। आराम का क्या है, आराम का तकलीफ है। आरूण मतलब बैठना किसी सिंहासन पे, आरूण होना, अनारूढ़ वहाँ से हट जाना। ठीक है, उतर जाना। आरोह का अवरोह, हमेशा पूछता है आरोह और अवरोही क्रम में लगाइए, आरोह मतलब जो बढ़ते हुए क्रम में, अवरोह मतलब जो है बढ़ते से घटते हुए क्रम में। ठीक, आद्र, आद्र का जो है अनाद्र या फिर शुष्क। आद्र मतलब क्या हो गया, ह्यूमिड, ह्यूमिड मतलब क्या है, जहाँ पे गीला पानी ज़्यादा है। ठीक है, मॉइस्चर है, और जहाँ पे जो है मॉइस्चर की कमी है मतलब शुष्क अनाद्र हो गया। ठीक है, तो जैसे अपना पूर्वी भारत का एरिया एक हो गया, और एक जो है एकदम पश्चिमी भारत का जो एरिया होता है। ठीक है, तो ये पूर्वी भारत का आद्र, और ये जो है इधर वाला जो है शुष्क एरिया होता है पश्चिमी का, खासकर राजस्थान के आसपास जो थार वाला अपना एरिया है। आर्य का अनार्य हो गया। ठीक है, आर्स का अनार्स, आर्स का क्या है अनार्स। आलसी का कर्मठ या फिर जो है कर्मण्य, कर्मण्य भी होता है या फिर जो है कर्मठ भी होता है आलसी का। आलोक, आलोक मतलब होता है प्रकाश, आलोक का जो है अंधकार हो गया, या फिर तिमिर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अंधकार को। आवर्तक का अनावर्तक, आवर्षण को जो है अनावर्षण, आवर्षण को अनावर्षण, याद है कल वहाँ पे अतिवृष्टि अनावृष्टि। आवश्यक का अनावश्यक, आविर्भाव का तिरोभाव या जो है अवसान। आविर्भाव अगर है, आविर्भाव का क्या है तिरोभाव या फिर जो है अवसान, दोनों होता है, तिरोभाव या फिर जो है अवसान दोनों होता है आविर्भाव का। आवृत्त का अनावृत, आवृत्त मतलब कोई चीज़ एक ही बार, ये आवृत्ति है, एक ही मतलब कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद एक चीज़ रिपीट हो रही है, ये मान लीजिए ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, ये पीक हो गया, आ रहा है, ये आवृत्त हो गया, अनावृत्त मतलब जो है। ठीक, आवृष्टि का अनावृष्टि, आवेशित का अनावेशित, याद है चार्ज हम पढ़ते थे, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक आवेश। ठीक,
विद्युत आवेश, तो आवेशित का अनावेशित, ठीक है, आशा का निराशा, या फिर जो है दुराशा, दोनों हो सकता है। निर लग करके भी उपसर्ग से बन सकता है, दुर से भी बन सकता है, ठीक है। तो आशा का निराशा भी हो सकता है, दुराशा भी हो सकता है, आशावादी का निराशावादी, बात समझे। यहाँ पे देखिए, आशा है तो निराशा हो रहा है, और आशावादी हो रहा है तो आपका जो है निराशावादी हो रहा है। आशीष आशीर्वाद का अभिशाप, या फिर सिर्फ शाप भी हो सकता है। आशीष मतलब आशीर्वाद होता है, ठीक है, तो आशीष का भी अभिशाप है, और आशीर्वाद का अभिशाप या शाप दोनों हो सकता है। आश्रित का अनाश्रित, या फिर बेसहारा, जो किसी पर निर्भर हो, जो किसी पर निर्भर ना हो, ठीक है। आसक्त का अनाशक्त, या फिर विरक्त। आसान का क्या होता है, मुश्किल। आसानी का भी मुश्किल होता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट चीज, आसान का, आसान का मुश्किल होता है और कठिन भी होता है। आसानी का मुश्किल ही रहेगा, लेकिन अगर कठिन वाला लिखा है तो उसका कठिनाई हो जाएगा, ठीक है। आसानी से होगा, कठिनाई से होगा, ठीक है, लेकिन आसान का मुश्किल और आसानी का भी मुश्किल। आसीन का अनासीन, आसीन का अनासीन। आस्तिक का नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है, जो नहीं रखता। तो जिसमें विश्वास है, तो आस्तिकता का नास्तिकता, आस्था का अनास्था, ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद, इसका रिवाइज़ कीजिए, अगली सीरीज पे आते हैं।